हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड दिस इज द नाइन्थ पार्ट ऑफ चैप्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ प्लस टू बायोलॉजी। एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज जीनोगैमी एंड एलोगैमी। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन किया था कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फ्लावर्स के जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। And today we will start from cross pollination. So let's start. Cross pollination involves the transfer of pollen grains from the flower of one plant to the stigma of the flower of another plant. ठीक है, cross pollination का मतलब क्या है कि जब एक flower जो एक plant पे और दूसरा, मतलब जो दो plant है उनके जो flower है उनके बीच में क्या हो रहा, pollination हो रहा है। ठीक है, जैसे self pollination क्या था कि सेम फ्लावर में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, विद इन अ फ्लावर हो रहा है या विद इन अ प्लांट हो रहा है, तो वो क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन। इसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है, जब दो डिफरेंट प्लांट के जो है, जो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स है उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और इसको क्या बोलते हैं, जीनोगैमी भी बोलते हैं एंड एलोगैमी भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा जाएगा, व्हाट इज जीनोगैमी, ठीक है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, या एलोगैमी कि ये क्या है। ठीक है, इसको ही क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जीनोगैमी या एलोगैमी, तो इस तरह से भी क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज जीनोगैमी एंड व्हाट इज एलोगैमी, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को ही बोला जाता है। द मेन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स विच फैसिलिटेट्स क्रॉस पॉलिनेशन आर, ये क्या बोले कि क्यों होती है क्रॉस पॉलिनेशन, क्या रीजन है क्रॉस पॉलिनेशन होने का। ठीक है, किसकी वजह से होती है, तो फर्स्ट है हेरकोगैमी। हेरकोगैमी क्या होता है, फ्लावर्स पोजेसेस सम मैकेनिकल बैरियर्स ऑन देयर स्टिग्मेटिक सरफेस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके जो स्टिग्मा है उसके सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, कुछ बैरियर होते हैं, मैकेनिकल बैरियर होते हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती है। जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं अपने ही फ्लावर के, जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो क्या होगी वहां पे, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। नेक्स्ट आता है डाइकोगैमी। पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एक ये रीजन भी है क्रॉस पॉलिनेशन का कि पोलन और स्टिग्मा जो है वो दोनों अलग अलग टाइम पे क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं। जब अलग अलग टाइम पे मैच्योर करेंगे तो क्या होगा, फिर तो सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकती क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, तभी पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा के ऊपर। तो इसमें दो टर्म्स है, सबसे पहले आता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी क्या होता है, व्हेन गाइनोशियम मैच्योर अर्लियर देन एंड्रोशियम। जब गाइनोशियम, प्रोटोगाइनी, गाइनी मीन्स फीमेल पार्ट, प्रोटो मतलब पहले, ठीक है, जब क्या हो रहा है, व्हेन गाइनोशियम मैच्योर अर्लियर देन एंड्रोशियम, जब गाइनोशियम क्या होता है पहले मैच्योर हो जाता है एंड्रोशियम से, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में क्या है बहुत बार पूछी जाती है। तो प्रोटोगाइनी क्या हुआ, जब क्या होता है गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाता है किससे, एंड्रोशियम से। फॉर एग्जाम्पल बाजरा, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो गाइनोशियम पार्ट है, फीमेल पार्ट है, वो पहले मैच्योर हो जाएगा देन मेल पार्ट। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये मैच्योर हो गया गाइनोशियम, तो पोलन ग्रेन्स तो अभी नहीं बने हैं, वो मैच्योर ही नहीं हुआ पार्ट मेल पार्ट, तो क्या होगा, वो ट्रांसफर भी नहीं होंगे, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट आता है प्रोटेंड्री। टेंड्री मतलब एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज व्हाट, इट इज मेल पार्ट। ठीक है, व्हेन एंड्रोशियम मैच्योर एंड शेड पोलन बिफोर गाइनोशियम। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है गाइनोशियम से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। एग्जाम्पल आ गया मेज। ठीक है, मेज में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, और इसमें क्या होता है, जो मेल पार्ट है वो पहले क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो प्रोगाइनी का एग्जाम्पल बाजरा, ठीक है, या अरेस्टोलो क्या हो गया, और प्रोटेंड्री का क्या हो गया, मेज, जिसमें क्या होता है, मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है और फीमेल पार्ट बाद में मैच्योर होता है। ठीक है, गया डाइकोगैमी। ठीक है, ये वाले रीजन भी है जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मतलब व्हाट, इन सम प्लांट्स द मैच्योर पोलन फॉल ऑन द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर बट फेल टू ब्रिंग अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन
इट इज कॉल्ड सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी. अंडर सच कंडीशन द क्रॉस पॉलिनेशन इज ओनली ऑप्शन. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि क्या होता है कुछ प्लांट में जो पोलिन क्या होते हैं स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो क्या होता है उसके साथ कंपेटेबिलिटी नहीं बना पाते हैं. ठीक है, मतलब वहां पोलिनेट नहीं कर पाते हैं. जो फ्लावर होता है, जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, वो उसको उसके साथ कंपेटेबिलिटी बनाने में क्या रहते हैं, अनसक्सेसफुल रहते हैं. मतलब कंपेटेबल नहीं रहते उसके साथ. ठीक है, रिएक्शन करने में क्या सक्सेसफुल नहीं होता है, जिसको हम इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी बोलते हैं. मतलब कि उसके जो खुद के पोलन ग्रेन्स है, खुद के फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है, उनके साथ वो कंपेटेबल नहीं है. ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी. तो इसकी वजह से भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है. नेक्स्ट आता है मेल स्टेरिलिटी. द पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स आर नॉट फंक्शनल. कई बार क्या होता है जो पोलन ग्रेन्स बने हैं वो फंक्शनल ही नहीं है. जब वो फंक्शनल नहीं है तो फिर पोलिनेशन तो होगा नहीं. ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि क्यों होता है क्रॉस पोलिनेशन. तो ये कुछ रीजन है, जैसे हर्कोगैमी हो गया, डाइकोगैमी, सेल इनकम्पेटेबिलिटी एंड मेल स्टेरिलिटी. नेक्स्ट आता है डायोशिज्म. डायोशिज्म का मतलब क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज अकर्स व्हेन द प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल और डायोशियस. ठीक है, दैट इज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अकर्स ऑन सेपरेट प्लांट्स. ठीक है, एग्जांपल पपाया, सम कुकरबिट्स. ठीक है, बड़े कई बार क्या होते हैं कि प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल पार्ट अलग है, एक फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट है, दूसरे फ्लावर में सिर्फ फीमेल पार्ट है. ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल है, उसकी वजह से भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है हेट्रोस्टाइली. अब हेट्रोस्टाइली क्या होता है, द फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमन्स एंड स्टाइल सो दैट द सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. ये क्या बोल रहे हैं कि हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या है, कि जो प्लांट्स के जो फ्लावर्स के पार्ट्स है मेल और फीमेल, उनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, अलग अलग होती है. ठीक है, या तो मेल पार्ट ज्यादा लंबा हुआ है फीमेल पार्ट, उसकी वजह से भी क्या होता है, पॉलिनेशन नहीं हो पाती है. जैसे लिनम हो गया, प्राइम्यूला हो गया, इनमें क्या होता है, हेट्रोस्टाइली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर क्रॉस पॉलिनेशन होती है. तो ये आपने टर्म्स याद रखनी है, एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है, कई बार एक नंबर में या दो नंबर में पूछ लेंगे व्हाट इज हेट्रोस्टाइली. ठीक है, व्हाट इज हर्कोगैमी, या फिर प्रोटेंड्री क्या होता है, प्रोगाइनी क्या होता है, प्रोटोगाइनी क्या होता है. तो ये सारे आपने क्या करने हैं, इनको ढंग से पढ़ लेने हैं. अब आते हैं एजेंट्स. ये तो हमने पढ़ लिया कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, क्यों होती है क्रॉस पॉलिनेशन, रीजन भी हमने पढ़ लिया कि क्यों होता है, कारण क्या है इसका. अब कौन कौन से पॉलिनेटर्स हैं जो पॉलिनेट करते हैं, कौन कौन से एजेंट है जो पॉलिनेशन करते हैं. सबसे पहले आता है द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स हैव बीन ग्रुप्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज. ठीक है, दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है. पहला आता है एबायोटिक, दूसरा आता है बायोटिक. एबायोटिक क्या है, इसमें विंड आ जाएगा, ग्रेविटी, वाटर. ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक में आ जाएगी. बायोटिक में आ जाएगा आपका एनिमल पॉलिनेटर्स. तो सबसे पहले आएगा एबायोटिक. ठीक है, इसमें सबसे पहले करेंगे हम एनिमोफिली, दैट इज विंड पॉलिनेशन. ठीक है, कई बार ये एक नंबर में पूछ लेते हैं व्हाट इज एनिमोफिली व्हेन पॉलिनेशन अकर बाय विंड. ठीक है, तो उसको बोलेंगे एनिमोफिली. एनिमोफिली इज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड. ठीक है, जब क्या है, विंड की वजह से क्या हो रहे हैं, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको हमने बोल दिया एनिमोफिली. ठीक है, द एनिमोफिलस फ्लावर्स. अब इनके क्या होगी, कुछ अलग अडेप्टेशन होगी, इनके क्या होंगे, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ठीक है, तो वो क्या है, सबसे पहले आता है इसमें द फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस. ठीक है, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस, क्योंकि ये तो विंड के थ्रू हो रहा है, तो विंड को ना तो किसी नेक्टर की जरूरत है, ना ही इसको अट्रैक्ट करने की जरूरत है. तो फ्लावर कैसे होंगे, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस. ठीक है, इसमें ना तो कोई ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा ना नेक्टर होगा ना कलर होगा. नेक्स्ट आता है कैलिक्स एंड करोला आर इधर रिड्यूज और एबसेंट. ठीक है, कैलिक्स और करोला, क्योंकि कोरोला क्या होता है, हाईली अट्रैक्टिव होता है. ठीक है, इनको रिक्वायर्ड नहीं है विंड पॉलिनेशन में, इस टाइप के जो फ्लावर्स हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिनमें नेक्टर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं होती इसमें. तो कोरोला और कैलिक्स भी क्या होंगे, रिड्यूज या फिर एबसेंट होंगे. और एंथर्स आर यूजली वर्सेटाइल. ठीक है, विंड फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल.
मेल फ्लावर्स आर मोर एबंडेंट देन फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, क्या बोल रहे कि जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब जब एक ही पार्ट है फीमेल सॉरी फ्लावर में एक्टिव, तो उस ऐसे फ्लावर में क्या होगा, जो मेल फ्लावर है वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू फीमेल फ्लावर्स। इन बायसेक्सुअल फ्लावर द स्टेमेंस आर जनरली न्यूमरस। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर स्मॉल लाइट ड्राई डस्टी एंड समटाइम्स विंग्ड सो दैट दे आर इजिली ब्लोन अवे टू लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलिए कि पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, लाइट क्योंकि ताकि विंड के थ्रू क्या हो, इजिली वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सके। ठीक है, हल्के होते हैं, ड्राई होंगे, डस्टी होंगे, ठीक है, विंग्ड होंगे ताकि क्या हो सके, वो दूर तक क्या कर सके, विंड के साथ जा सके और पॉलिनेशन कर सके। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन्स ऐसे होंगे। द स्टिग्मा आर लार्ज, स्टिग्मा कैसा होगा, लार्ज होगा, वेल एक्सपोज्ड, हेयरी, फेदरी और ब्रांच्ड टू कैच द एयर बोर्न पोलन ग्रेन्स, क्योंकि एयर के साथ जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उनको कैच करना, ठीक है, उनके साथ पॉलिनेट करना, उसके लिए स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लार्ज, ठीक है, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, एक्सपोज नहीं होगा तो फिर पोलन ग्रेन्स कैसे कैसे उसके ऊपर अटैच होंगे, ठीक है, कैसे झड़ेंगे उसके ऊपर, क्योंकि अगर एक्सपोज्ड नहीं होगा तो, इसलिए ये वेल एक्सपोज होता है, हेयरी होता है, फेदरी होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन सम प्लांट्स द एंथर्स बर्स्ट सडनली टू थ्रो द पोलन ग्रेन्स इन टू द एयर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो एंथर है वो ब्रस्ट कर जाता है एकदम से, और जो पोलन ग्रेन्स उनको क्या करता है, एयर में थ्रो करता है, इसको बोलते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गन पाउडर मैकेनिज्म, कि जब क्या करता है एंथर, ब्रस्ट करता है सडनली और पोलन ग्रेन्स को एयर में थ्रो करता है। नेक्स्ट आता है इसमें, द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विंड, इसमें आता है, दिस कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर ग्रासेस, शुगर केन, बैम्बू, कोकोनट पाम, डेट पाम। ठीक है, ये सब क्या आएंगे, भांग हो गया, मेज हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, ये है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के एग्जाम्पल, ये आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब जहां हाइड्रो लग गया, दैट इज रिलेटेड टू वाटर, वाटर पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली इज अ मोड ऑफ पॉलिनेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा थ्रू एजेंसी ऑफ वाटर। जब क्या हो रहा है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हमने बोल दिया हाइड्रोफिली और वाटर पॉलिनेशन। द हाइड्रोफिलस फ्लावर्स, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस, सेम चीज वही होगी यहाँ पे रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे किसमें था, एनिमोफिलस फ्लावर में था, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर थे, ठीक है, इसमें भी कैलिक्स और कलोर कोरोला एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल। ठीक है, पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा आर जनरली अनवेटेबल, द स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड स्टिकी। ठीक है, ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इसके याद कर लेने हैं, वैसे पूछ लेते हैं कई बार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। नेक्स्ट आता है इसमें जो इसके एग्जाम्पल्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, मैक्सिमम टाइम पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे जुस्टोरा हो गया, हाइड्रेला हो गया, ठीक है, वेलिसिनेरिया हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। सो ये यहां पे कुछ और आगे बचते हैं, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के, तो वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसके नोट्स बना लेना, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, एंड जो मेन फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं, इन पे एक अलग क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इस तरह आपने क्या करना है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो एजेंसी है वो पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, उस पर भी आपने क्या करना है, अलग क्वेश्चन बनाना है विद एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेने हैं, प्लस इसको समझ लेना है।